नमस्कार दोस्तों, किस प्रकृति के मामले में कोर्ट जल्दी फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है? कौन सा ऐसा मैटर होता है, कौन सा ऐसा केस है जिसमें जल्दी कोर्ट फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको देने वाला हूं इस विषय पर पूरी जानकारी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें और वीडियो पर एक लाइक कर दें। इसके साथ साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जब किसी मामले में 154 आरपीसी के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, मामला गंभीर प्रकृति का है, जघन्य अपराध से संबंधित है तो जो आरोपी व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। और फिर प्रोसीडिंग्स में विवेचना अधिकारी सभी साक्ष्य संकलन करके एक पुलिस रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करता है 173(2) सीआरपीसी के अंतर्गत। और अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी को विवेचना में यह लगता है कि हाँ साक्ष्य अपर्याप्त हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स, सभी क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय स्वीकार कर ले ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें न्यायालय क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं करती है, जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर दी गई है तो जाहिर सी बात है कि अपराध पूर्ण है। पूर्ण अपराध का मतलब यह होता है कि हत्या कर दी गई, ये निश्चित है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कुछ व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, लेकिन विवेचना अधिकारी ने जब विवेचना की तो हर तरफ से विवेचना में साक्ष्य संकलन करने के बाद उसे उसके विरुद्ध कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई साक्ष्य आरोपियों के विरुद्ध नहीं मिलते हैं। लेकिन साक्ष्य न मिलने से यह नहीं झूठ लाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी, किसी का मर्डर हुआ था। इसका मतलब अपराध पूर्ण हुआ तो अपराध को किसी ने अंजाम दिया। अगर जिनको आरोपी बनाया गया है उनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं आ रहा है, कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है, तो मामले में आगे विवेचना किया जाना अनिवार्य है कि यह प्रकाश में जरूर लाया जाए कि हत्या किसने की। क्योंकि अगर ऐसे अपराधों में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइनल रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट प्रेषित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि ऐसे अपराधों का प्रचलन बढ़ जाएगा। मैं आपको एक से दो एग्जाम्पल देता हूँ इस संबंध में। फ्रेंड्स, एक मैटर था जिसमें अवैध खनन के मामले में खनन किया जा रहा था, अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था, और उसमें दो बच्चे अचानक पता नहीं कहाँ से उस गड्ढे में मतलब गड्ढा बन जाने की वजह से गड्ढे में गिर गए, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। तो जो बच्चे के माता पिता थे उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई, उसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल मैटर मामला था और हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व थे, इस वजह से एफआईआर तो 302 आईपीसी और एसटी एक्ट पर दर्ज कर दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। आज भी वो क्लोजर रिपोर्ट लगभग 5 साल मामले को भेजे जा रहे हैं, कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, कोर्ट ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, मतलब ना तो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है ना ही रिफ्यूज किया। एक और हाई प्रोफाइल मामला मैं आपको बताता हूँ, आरुषि हेमराज हत्याकांड, जिसमें वर्ष 2008 में आरुषि नामक एक लड़की की हत्या हो जाती है। ये चर्चित मामला था, आज भी एक मर्डर मिस्ट्री देश में बनी हुई है। और इस मामले में पहले राज्य पुलिस विवेचना करती है और विवेचना करने के दौरान उनमें भी कुछ मतभेद होता है, फिर मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई की एक टीम कुछ लोगों को आरोपी बनाती है लेकिन उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं कर पाती है, और उसके बाद फिर उस टीम से विवेचना ले ली जाती है और नई टीम को विवेचना सीबीआई के द्वारा दे दिया जाता है। दूसरी टीम मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है, लेकिन न्यायालय जो सीबीआई कोर्ट थी उसने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया, क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मामले में अग्रिम विवेचना जारी रखने का आदेश किया। मामले में आगे विवेचना जारी रखी गई और फिर उसमें जो उस लड़की के माता पिता तलवार दंपति थे उनको आरोपी बनाया गया, उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, सीबीआई कोर्ट ने उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी। तलवार दंपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल की, जिसमें जस्टिस ए के मिश्रा की बेंच ने
अपील को सुनते हुए यह पाया कि इस मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट का क्वेश्चन है और वह लाभ जो आरोपी व्यक्ति हैं इनको मिलना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अपील में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने तलवार दंपत्ति को मामले से बरी कर दिया। आज भी यह मर्डर मिस्ट्री एक मर्डर मिस्ट्री है कि वास्तविकता में इसमें हत्या किसने की, क्या हुआ, क्योंकि जिनको आरोपी बनाया गया वो बरी हो गए, जिन पर शक था कि इन्होंने हत्या की होगी उनके विरुद्ध कोई आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया। तो इन सिचुएशंस में ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं अगर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो न्यायालय स्वीकार नहीं करती है और मामले में आगे विवेचना जारी रह सकती है, ऐसा आदेश न्यायालय कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जो भी जघन्य प्रकृति के अपराध होते हैं इनमें जल्दी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट स्वीकार नहीं करती है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रह सकती है और फिर अगर मामले में ये मान के चलिए कि विवेचना करके जो भी विवेचना अधिकारी हैं उन्हें डिस्कस में चार्जशीट ही लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पर आपने अगर अंत तक बने रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।